Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ਕੀ ਜਾਣੋ ਪੜੇ ਕੇਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਪੜੇ ਟੰਕੇ ਪੇ ਫੇਰ ਮਾਨਣੀ ਤਲਾਊਗਾ ਫੇਰ ਆਣ ਪੜੇ ਉਹ ਜਾਣੋ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਪਤਾ ਕੀ ਟੰਕੀ ਨਾ ਮਾਨੀ ਪੜੇ ਇਹ ਜ ਪੰਨੀ ਸੁਗਨ ਪੇ ਤੇ ਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਣੋ ਪੜੇ ਅੱਛਾ है कौन पानी पानी कहीं नहीं है सुख नहीं तो आप बोट पंगे तो क्यों कौन के पानी भेजो कौन है मैं क्या कौन मार बोलो ना ला कोई वो बोले कौन है माना पूछो नहीं कहने बोलो अच्छा हाँ तो है पर से थोड़े वास्ते तो पशु वशु भी वेलन मुर वास्ते पानी क्यों तू लावा पशु बिचार को कहते को होते हैं सिर पंच होती ठाड़ा ये हुए बड़े आए तो थोड़े कौन पानी रोज ओ पिए अच्छा पानी हॉस्पिटल हॉस्पिटल है बढ़िया हॉस्पिटल है को है वो चोटन जाऊंगा बाड़मेर चोटन का बाड़मेर जाना पड़े अच्छा कोई छोटो मोटो कम इंजेक्शन लगाने वास्ते हो जानो ओ चोटन जानो पड़े थे अच्छा तो थे कदे कयो कोन को नेता होवे तो का मैं आ थन का नेता कोई आप आवे ही को नेता आई तो बैठा है नेता कोई होसे नहीं आई कायो कोन के मने के जो आदमी है तो आगे आन दे कोन बोले नहीं कोन दे बोलने को दईदा नहीं आदमी के मैं आप ही करा थे की करो यो की हो तो 75 साल में हाल थोड़ी होता कहीं नहीं सुख मार सभी तो दूध गाम तो कहीं कर होयड़ो होय बिखेरिंदा कहीं करन दई कोन अच्छा एक बात तो जैसे सुबह सुबह पहले पानी पीने वास्ते कितने कितना घंटा लागे घड़ो लानो पड़े घड़ो ला घड़ा तो टंका ठाईडो खास बाज को जे नी हुए तो टंकी कदे आवे फोन करा 10 घंटे में आवे साकली आवे जिते बैठा उतर तो ओ, सरकार तो के मोदी जी के कि मैं हर घर नल पहुंचाए नल मार दूध नल है को के नल आई को नहीं ना इया ढाणिया किथे ते जो रोई पड़ी बाबन जी के को नल नु भी जो आ देखिए ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार ये सपना देख रहे थे कि गांव अंदर क्या मतलब किस तरीके की सुविधा है पानी को लेकर बिजली को लेकर हॉस्पिटल को लेकर सर आजादी के बाद अभी तक हम मूलभूत सुविधा से वंचित है न तो गांव में हॉस्पिटल है हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल भी नहीं है यहां तक कि अभी कोई छोटा मोटा काम और इंजेक्शन लगाने के लिए छोटन जाना पड़ता है कितने किलोमीटर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है अच्छा। और बाकी आप स्कूल के यहाँ तक सब परिस्थिति आप देख ही रहे हो और पानी की तो गांव में बिल्कुल ही सुविधा नहीं है टैंक डला के हम हमारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं अच्छा। और इस बार हम सोच रहे हैं कि नया इतिहास बदले और बदलाव लाए इसलिए हमारी उम्मीद है कि हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट करें और हमारा कुछ विकास हो युवाओं की बात नहीं आप चलो ठीक है वो तो रविंद्र सिंह की पहले जो वोटर जो नेता वोट मांगने आते थे वो वादा करते पूरा करते कुछ भी नहीं वापस भी नहीं आते आप सोच रहे हो केंद्रीय मंत्री अभी केला जी चौधरी है हमने तो वोट के बाद उनको कभी देखा ही नहीं अभी भी उनको मालूम नहीं है कि दूधवा खुर्द गाँव कहाँ आया हुआ है जबकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में ही हमारा गाँव है 5 सालों में कुछ विकास हुआ इस गाँव के कुछ भी नहीं हुआ साहब आप खुद देख लो ना ऐसी परिस्थिति में जी रहे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है नहीं तो उससे पहले भी तो नेता आए होंगे ऐसा थोड़ी ना केला जी अकेले उससे पहले भी कोई विकास नहीं हुआ जब भी तो हम बदलाव ला रहे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर रीपोलिंग हो रही है दरअसल फर्जी मतदान के चलते 26 तारीख को यहां पर मतदान हुआ था और उसके बाद में फर्जी मतदान के चलते रीपोलिंग हो रही है आप देखिए कल पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो तापमान था तो वो राजस्थान के बाड़मेर में था लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 46 डिग्री का तापमान था और लोगों के अंदर रीपोलिंग के अंदर भी जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिला है आप देखिए सुबह से लंबी लंबी लाइनें हैं और प्रशासन की ओर से एक अच्छे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आप देखिए लंबी लंबी आधा घंटा घंटा भर लगता है वोट कास्ट करने में उसी के लेकर आप देख सकते हैं कि पानी की और जो छाया की है पर्याप्त व्यवस्था की गई है दरअसल ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं और आप देखिए पिछली बार 26 तारीख को 1120 पर के आसपास वोटिंग है वो पड़ी थी और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके की शिकायत हुई शिकायत के बाद में एक कमेटी बैठी कमेटी ने जांच की और कहा जाता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग थी वो भी लीक हो गई थी सोशल मीडिया पर और उसी के चलते यहाँ पर 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया रीपोलिंग करवाई जाएगी आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र जो कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की हॉट सीट है यहाँ पर आप देखिए मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है वो प्रत्याशी है कांग्रेस से आरएलपी से आए उम्मीदाराम बेनीवाल है वो प्रत्याशी है और इन दोनों को टक्कर दे रहे हैं निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी जो कि शिव से आते हैं और बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे और उसके बाद में लोकसभा के अंदर भी बीजेपी ने उनको मनाने की खूब कोशिश की लेकिन माने नहीं और उसके बाद में चुनाव लड़ लिया और इसीलिए ये चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है लेकिन जो वोटर्स है हम उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब वो वोट कास्ट करते हैं तो उनके मन के अंदर क्या उम्मीद होती है गांव के विकास को लेकर क्या कुछ होता है मन में जब नेता वोट मांगने आते हैं तब क्या कहते हैं और जब वोट मांगने के बाद में जीत जाते हैं
तो उनकी उम्मीदों को पूरा करते या नहीं करते। ये वो गांव है, आप देखिए बाड़मेर जिला मुख्यालय है, जहां से करीबन 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां पर आज भी आप सोचिए आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी यहां के लोग हैं वो पानी की एक एक बूंद को लिए तरसते हैं, पानी के लिए संघर्ष करते हैं। तमाम जो लोग हैं रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर सोचेंगे। अच्छा बाबा, क्या नाम है आपका? डूंगरा। अच्छा, क्या लगता है आज़ादी के इतने बरस बीत गए, पानी है, बिजली है, सड़क है, गांव के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था है अच्छा बताइए। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कम है बिल्कुल घरों में। अच्छा, और हमारे साथ ये रविंद्र सिंह हमारी व्यवस्था करा। नहीं, आप मुझे ये बताइए, रविंद्र सिंह की बात में बात करें, पहले आप मुझे ये बताइए कि गांव के अंदर जब आप वोट देने जाते हो तो आपके मन में क्या उम्मीद होती है कि नई सरकार बनेगी, वो आपके लिए किस तरीके से बच्चों के स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल है यहाँ? हॉस्पिटल कुछ नहीं, हॉस्पिटल नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने गांव के अंदर आबादी कितनी है? आबादी है 1200 वोटर है। तो हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाना पड़ता है? चोट जाना पड़ता है। तो आप नेता आते हैं उनको बोलते नहीं हो क्या? बोलते हो, यहाँ आते नहीं क्या बोले? अच्छा, नेता कोई आता नहीं। अच्छा, वोट मांगने तो कभी कभी तो आए होंगे, इतने साल हो गए, पहले कोई आया होगा, आपने बोला होगा? कोई व्यवस्था नहीं है, करेंगे वोट के बाद। अच्छा, वादा करते पूरा नहीं करते? पूरा नहीं करते। पानी के लिए क्या करना पड़ता है, पानी के लिए कहाँ से जाते हो? पानी के टैंक है, वहाँ से टंकी डलवाते हैं। टंकी मोल डलवाते हैं। अच्छा, 500 रुपया लगते है मोल डलवाते सब, और ढाणियों में 2000 लगते है। अच्छा, इतनी बहुत भयंकर रहे पानी की। अफसोस होता होगा कि यार वोट तो दे देते हैं, सरकार ने सुविधा नहीं दे रही। वो तो अफसोस होता ही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, घर पे। घर पे। क्या लगता है कि जब वोट कास्ट करते हो उस समय क्या मन के अंदर ख्याल आता है, क्या नेताओं से उम्मीद होती है गाँव के विकास को लेकर? उम्मीद बहुत होती है कि शिक्षा भी होनी चाहिए और स्कूल वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये वोटर की उम्मीद होती है। पानी वानी की है व्यवस्था या पानी के लिए क्या करना पड़ता है, पानी की क्या व्यवस्था है इस गांव के अंदर? पानी के लिए यहाँ पर सब लोग तरसते हैं, कोई सुविधा नहीं है पानी। कोई सुविधा नहीं? नहीं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोट देने? हाँ, फर्स्ट टाइम। इससे पहले वोट नहीं दिया? नहीं। क्या मन में कितना ख्याल आ रहा है कि हाँ वोट देना है, कितना एक्साइटमेंट था? और आपके यहाँ तो रीपोल हो गया, आप तो एक बार में 2 बार वोट दे रहे हैं। यस। हैं? अच्छा, पहले क्या कहा गया, कि किस तरीके से यहाँ पर रीपोल क्यों हो रहा है, कुछ बताया? रीपोल का कुछ बताया तो है मगर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, उनसे एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जो रीपोल हो रहा है, ये जो तमाम वोटर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं गांव के अंदर जो वोटिंग है। पुलिस ने सुरक्षा के भी चाक इंतजाम, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं, ऐसा बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं, थानेदार है, सीआई है, डिप्टी रैंक के अधिकारी है, और उसके साथ ही एडिशनल एसपी से लेकर तमाम अधिकारी है वो है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जगदीश कुमार। जगदीश जी, क्या काम काज करते हैं आप? मैं भिलवाड़ा में कपड़े का व्यापारी हूँ। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव का रहने। अच्छा, कपड़े की व्यापारी है। अच्छा, एक चीज बताइए, गांव के अंदर क्या मतलब किस तरीके की सुविधा है, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर? सर, आज़ादी के बाद अभी तक हम मूलभूत सुविधा से वंचित है, न तो गांव में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ तक कि अभी कोई छोटा मोटा काम हो, इंजेक्शन लगाने के लिए छोटन जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और बाकी आप स्कूल की यहाँ तक सब परिस्थिति आप देख ही रहे हो, और पानी की तो गाँव में बिल्कुल ही सुविधा नहीं है, टैंक डला के हम हमारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। अच्छा, और इस बार हम सोच रहे हैं कि नया इतिहास बदले और बदलाव लाए, इसलिए हमारी उम्मीद है कि हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट करें और हमारा कुछ विकास हो, युवाओं की बात। नहीं, आप चलो ठीक है, वो तो रविंद्र सिंह की, पहले जो वोटर जो नेता वोट मांगने आते थे वो वादा करते हैं, पूरा करते हैं? कुछ भी नहीं, वापस भी नहीं आते। आप सोच रहे हो केंद्रीय मंत्री अभी कैलाश जी चौधरी है, हमने तो वोट के बाद उनको कभी देखा ही नहीं, अभी भी उनको मालूम नहीं है कि दूधवा खुर्द गाँव कहाँ आया हुआ है, जबकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में ही हमारा गाँव है। 5 सालों में कुछ विकास हुआ इस गाँव के? कुछ भी नहीं हुआ साहब, आप खुद देख लो ना, ऐसी परिस्थिति में जी रहे, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो उससे पहले भी तो नेता आए होंगे, ऐसा थोड़ी ना केला जी अकेले, उससे पहले भी कोई विकास नहीं हुआ, जब भी तो हम बदलाव ला रहे। अच्छा, ठीक है, क्या कह रहे आप बताइए? ये सब झाड़ी कटी इसलिए तो ये ओद दिख रहा है, और तो पानी उस पानी के ओद में है पानी, क्या क्या पानी है, पानी कभी आता है तो ले जाते हैं, नहीं तो कहाँ है पानी इतना। तो हॉस्पिटल, हर घर नल की है, वो भी हमने तो नल देखा नहीं है, यहाँ लगा हुआ देखा है। नहीं तो गांव में वो जो मोदी सरकार वाली योजना पहुंची है गांव के? नहीं नहीं, मोदी कहाँ सर योजना पहुंची, हर घर नल योजना? नहीं नहीं, नल तो देखा है ना, हम यहाँ पे देखते हैं, ओदी पे लगा हुआ दो, वही टूटा हुआ है, एक चलता है। अच्छा, एक ही चलता है क्या पूरे गाँव के अंदर? एक टैंक की व्यवस्था है पूरे गाँव के अंदर, एक टैंक। गाँव के अंदर कितने घर है सर?
घर लगभग 400-500 घर हो जाएंगे, और 400-500 और वोटर लगभग 1200-1300 के लगभग है। अच्छा, 1300 के आसपास। हाँ। नहीं तो आपने कभी जो नेता इससे पहले, ये तो चलो ठीक है, संसद का चुनाव है, विधायक भी होंगे आपके यहाँ पर, जिला परिषद के सदस्य भी होंगे, सरपंच, टाइम देखते हैं वोट के टाइम। अच्छा, वोट के टाइम देखते हैं, वो वोटिंग जब होती है तब सर सारे वादे करके जाते हैं, आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उसके बाद तो उनका सेहरा देखना भी बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है ठीक है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? अमराराम। अमराराम जी, क्या लगता है गांव के अंदर कुछ विकास विकास हुआ, पानी वानी, बिजली बिजली, या क्या है? पानी नहीं है सर। पानी है नहीं? पानी नहीं। कितना संघर्ष करना पड़ता है महिलाओं को? संघर्ष करना पड़ता है बहुत। अच्छा, जल भर नहीं है। अब देखिए महिलाएं हैं वो लगातार दोपहर के 11 बजे के आसपास का समय है, घर का कामकाज करने के बाद में वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है, ये बताता है कि लोगों के अंदर एक उम्मीद है इन नेताओं के, सरकार के प्रति, कि एक सरकार, अच्छी सरकार आएगी जो कि इनके वादों को पूरा करेगी। अच्छा, गांव के अंदर क्या समस्या, पानी वानी की क्या क्या व्यवस्था है? पानी वानी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है? पानी वास्ते कितो संघर्ष करना पड़े? घणो ही थे, घणो ही थे। खेत के जानो पड़े, खेत की जानो पड़े, टंके पे थे माननी तला उगा भरे आन पड़े, वो जानो पड़े। नहीं तो पता की टंकी न मानी पड़े, ए जे पानी सुगन पे ते मरा जना पेणो पड़े। अच्छा, है कोन पानी वाणी कहीं नहीं है सुख, नेता है पर वोट मांगे तो क्यों कोन के पानी भेजो कोन? मैं कह कोन मार बोलने वाला कोई, वो तो बोली कोनी, माना पूछो मैं घणे बोलो। अच्छा, तो वास्ते पशु हॉस्पिटल जाऊंगा बाड़मेर, चोटन का बाड़मेर बाड़मेर जानो पड़े। अच्छा, कोई छोटो मोटो कम इंजेक्शन लगाने वास्ते चोटन जानो पड़े थे? अच्छा, तो कद कहो कौन को नेता हुए तो मैं कहा नेता कोई आप आवे को नेता आई तो बैठा है, नेता कोई हो से नहीं आई कहीं को नहीं, क्योंकि मन के जो आदमी है तो आगे आन दे, कौन बोले नहीं, कौन दे बोलने को दही था नहीं आदमी के मैं आप ही करा थे की करो यो की हो तो 75 साल में हाल थोड़ी होता, कहीं नहीं सुख मार सभी तो दूध के गांव तो कहीं करण होई वड़ो होए बिखेरी ना कहीं करण नहीं कौन। अच्छा, एक बात तो जैसे सुबह सुबह पे पानी पीने वास्ते कितने कितना घंटा लागे, तो घड़ो लानो पड़े, घड़ो ला घणा तो टंका ठाएड़ो खास बाज को जे नहीं हुए तो टंकी कदे आवे, फोन करा 10 घंटे में आवे, साकली आवे, जितने बैठा रहा। तो ओ, सरकार तो क्या मोदी जी कहे कि मैं हर घर नल पहुंचाए, नल मार दूध नल है कौन के नल आई को नहीं ना इया ढाणिया कितने थे जो रोई पड़ी है बाबन जी के वो नल है नो भी जो। आप देखिए ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार ये सपना देख रहे थे कि गांव और ढाणी के अंदर हर घर के अंदर नल हो, उस योजना चोटन जाऊं करे घणो ता थोड़ो उस कदे पुजा जाए न को हॉस्पिटल न को डॉक्टर कहीं कौन चोट जाऊं तो। अब देखिए दरअसल आप देखिए जो नेता वादे करते हैं और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सपना देखा था कि हर घर के अंदर नल होना चाहिए, उस योजना की हकीकत क्या है वो ये महिलाएं बता रही। महिलाओं का सीधे तौर पर कहना है कि गांव के अंदर आप कहीं पर भी चले जाइए कहीं पर आपको नल नहीं नजर आएगा, और पानी के लिए तो इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और साथ में अगर ये पानी मिल भी जाए तो एक आधा किला तो माँ नाम पड़ी माँ हाँ को किला वो भा वो थे 5 किलोमीटर। हाँ, वो भगवान भलो सरपंच रोकियो होद की पढ़ाई है चार धन पिए मैं पिए ले घड़ा भरी। माँ मैं एक बात बताओ नेताओं की कहनी चाहो की कहनी की थोड़ी डिमांड की थोड़ी की मांग है गाँव में की सुविधा होनी चाहिए बताओ। मारे तो डॉक्टर चाहिए गाँव में नर्स चाहिए हॉस्पिटल चाहिए आन केड़ो बस घर लंगे पानी चाहिए सड़क है पहिए बस आए कौन सड़क पड़ी स्कूल की व्यवस्था कैडी है स्कूल है गांव ये स्कूल है ये स्कूल है। अच्छा हमारे स्कूल चाहिए ठीक है। अच्छा और भी लोगों से बातचीत करेंगे तमाम जो लोग हैं आप देखिए लंबी लंबी कतारें खड़ी लगी हुई है यहाँ पर लोग हैं वोट करने के लिए। अच्छा बाबा क्या नाम है आपका? सीताराम जी। सीताराम जी क्या लगता है यहाँ महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा था पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। पानी की तो समस्या है ना इसमें कोई शक नहीं है पानी की समस्या है और यहाँ पे है जो नल बल तो कहीं पे है नहीं। नहीं तो मोदी सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर घर के अंदर नल मोदी भाई आए तो मोदी है पहली जो कांग्रेस थी दोनों ने कुछ नहीं किया है दूधवा के लिए। मैं खुद गया था कलेक्टर ऑफिस में
रिपोर्ट दे के और पहली होदी मैंने खुद ने बनाई है। अच्छा। हाँ, घर के पैसे की किराया दे के। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो गया था वो गया था, मैं खुद गया तो था। सरकारी सुविधाओं का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है इस गांव को भाई? गांव को, गांव वाले में कुछ कमी होगी, एक दूसरे पार्टी वाले यहाँ मिलने नहीं दे रहे। अभी जो हो दिया, एक बोला है यहाँ बनाओ हमारे घर के बाजू में, वो बोलता हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, पूरी अवैध भी कब्जा किया हुआ है, इसकी वजह से बनने नहीं दे रहे। अभी यहाँ हॉस्पिटल बनने नहीं दे रहे गांव के आजू बाजू में। अच्छा। ये लोग सब बोल रहे हैं ये हमारी जमीन है, वो बोल रहे हमारी जमीन है, इसकी वजह से बन नहीं रहे। पानी तो है ही नहीं यहाँ गाँव में, पानी की समस्या है गाँव में, पानी की है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, पानी की बहुत समस्या है। में दलाली चलती है पानी के लिए, टंकी भरी जाती है, बाकी हॉस्पिटल तो है ही नहीं। हॉस्पिटल ही नहीं है, कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है, कुछ परमिट करने वाला नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हो? चोटन जाना पड़ता है 20 किलोमीटर दूर यहाँ से। अच्छा। हाँ, कोई डिलीवरी हो या कुछ भी हो। आपने नेताओं को कहा नहीं कि हॉस्पिटल नहीं है? नेताओं को एक जूते मारे नहीं, दूसरा मुंह से तो बोल दिया। बोल दिया बिल्कुल। तो लेने के बाद वापस नहीं आते क्या भाई? मैं अभी यहाँ 20 साल से रह नहीं रहा हूँ, मेरी बार दुकान है, और भाई लोग कह रहे मानते नहीं। अच्छा, ठीक है महिलाओं से बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या माँ की नाम है? माँ अग्री देवी है। अग्री देवी माँ, की व्यवस्था पानी वाणी केड़ी व्यवस्था गांव में? ओ कया भाई, बकया बड़ा भाई बढ़िया। तो थे की बताओ पानी वास्ते के जानो पड़े सुबह शाम तक? इदजवे दा पानी पजा इदजवे इदजे जाओ ओदी मा। अच्छा, ओदी ले जानो पड़े। कितना आगा हो, कितना किलोमीटर हो? 1 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए, ये जो तमाम इस गांव के जो मतदाता है, करीबन 1200 से ज्यादा मतदाता है, खास तौर से इस गांव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि पानी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है, और अस्पताल को लेकर तो आप देखिए, अस्पताल को लेकर तो तमाम तरीके से यहाँ पर 15-20 किलोमीटर कुल मिलाकर, आप देखिए 11 बजे का समय है, तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त तरीके से उत्साह है वो देखने को। बाड़मेर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, बाड़मेर की लड़ाई आप देखिए, बाड़मेर के अंदर बुजुर्ग भी बैठे, उनसे बातचीत करके जानते हैं गाँव के अंदर क्या हालात है, किस तरीके से। अच्छा बाबा, क्या नाम है आपका? बोकाराम। बोकाराम जी, की गांव की समस्या में से है कहीं ना? गर्मी बहुत ज्यादा पड़े है। गर्मी पड़े तो बाहर हो जगह को नहीं है, बोले है समस्या में तो कई को है, सफा को नहीं है, को नहीं। हां, पानी है को नहीं। हां, समस्या तो बनी है, बनी की है। अच्छा, नेता वो नेता के को नहीं? नेता क्या कह रहा, बताइए। पानी की समस्या है, लाइट रहती नहीं है, समस्या है, हॉस्पिटल है कौन? समस्या घनी है, ये नोटिस जाते बोलते कर देंगे, बोर्ड मंगना उठा मैं रहा है, कर देंगे, बोर्ड होगा कोई आवे कौन कोई देखने वास्ते? तो इतना साल हुआ थे आए, पता कर झालो कौन के करे मोटर झाले की करो चलाए कौन बात मोंडे को पता है पास आवे कौन की करे परेशानी कोई कमी है कौन आप देख रहे हो? तो पानी की तू लाने पड़े, पानी में ट्यूब वेल है एक है। अच्छा, ये लाइट खराब है, 4 महीने पड़ी रहे ना, तो अगर जो गांव में कोई बीमार पड़े तो बाड़मेर जाओ, चोटन जाओ, या कोई इंजेक्शन देने वाला है ही नहीं। दरअसल आप देखिए, ये जो तमाम जो लोग हैं, इनको अब इस बात की उम्मीद है कि नई सरकार बनेगी तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आप देखिए, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो सियासी माहौल है, गर्मी रेगिस्तान के अंदर गर्मी का पारा भी तेज़ है, और रेगिस्तान के अंदर जो राजनीतिक का पारा है उससे ज़्यादा तेज़ है। आप देखिए यहाँ की जो लड़ाई है, करीबन जो जिस तरीके से वोटकास्ट हुआ, आप देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो कहीं वोटकास्ट हुआ है तो वो बाड़मेर जैसलमेर है। तमाम जितने भी लोग हैं उनसे हमने बातचीत की। दिनेश बोरा, बाड़मेर।